आचार्य देव कहाँ जन्मे थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हम पर क्या उपकार किया, क्या करुणा की, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों की परंपरा में एक आगम ग्रंथ है और एक अध्यात्म ग्रंथ है। आगम ग्रंथ जो जीव का संयोगी कर्मों की ओर से कथन करते हैं, विकारी परिणामों की ओर से कथन करते हैं, वो एक संयोगी और कर्माधीन अवस्था का ज्ञान कराते हैं। वर्तमान में ये जीव किस संयोग में है, किन परिणामों के बीच में है, ये आगम बताता है। लेकिन इतने ही ज्ञान से आत्मा का कल्याण नहीं होता, ये कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है। अध्यात्म के ग्रंथ आत्मा के त्रैकालिक वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बताते हैं, आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप को बताते हैं। और जब हम अपने ऐसे स्वरूप को जानते हैं, तब वास्तव में हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, दुखों का अभाव होता है। कुंदकुंद आचार्य देव ने हमें ज्ञायक बताया। ये जिस आज ज्ञायक की, शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की, कारण परमात्मा की चर्चा प्रसिद्ध है, इसके प्रदाता, इसके विधाता, इसके प्रकर्ता कुंदकुंद आचार्य देव है। इसलिए उस रचना की रचना हुई है, उच कुंद कुंद ना होते तो आज क्या होता, सत जिन सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। कुंद कुंद आचार्य देव यदि ना होते तो क्या होता। ये जो उत्तम मार्ग धर्म किसके आश्रय से प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, इस बात की, इस विधि की खबर नहीं होती, तो मान से द्वेष और मार्दव से राग तो होता, मान से द्वेष और मार्दव से राग तो होता, लेकिन मान कहता है मिट्टी नहीं और मार्दव धर्म प्रकट होता नहीं। यदि कुंद कुंद आचार्य ना होते तो मान कहता है का अभाव नहीं होता और मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता। किसको भूलकर मान होता है और किसको जानकर मान उत्पन्न नहीं होता है, उस तत्व को बताने वाले, उस तत्व को देने वाले
कुंद कुंदाचार्य देव है। जन्म कुंद कुंदाचार्य देव का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था? 2127 साल पहले। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गोदिया। चार बातें बताइए। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर जिला, गुटी तहसील और कौंड कुंद ग्राम। उनके पिता का नाम क्या था? श्रेष्ठी गुण कीर्ति। माता का नाम? श्रीमती शांतला देवी। उनके माता और पिता का नाम था। उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा धारण की? बालक पद्म से पद्म नंदी बन गई। कितने वर्ष में? 11 वर्ष में। आचार्य पद कितने वर्ष में मिला? 44 वर्ष की आयु में। कुल आयु कितनी थी? 95 वर्ष 10 माह और 15 दिन। उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? 84 पाहुड़। पाहुड़ मतलब भेंट। उनकी भेंट है। कोई आपको भेंट दे पर आप फूल के नहीं देखो तो ये भेंटों का अपमान है, ये गिफ्ट का अपमान है। कुंद कुंदाचार्य देव ने गॉड गिफ्ट नहीं दी, गिफ्ट में गॉड बताया है। समझ आया? कितने पाहुड़ आज हमें उपलब्ध हैं? नाम बताओ। बोलो भैया। समय पाहुड़, प्रवचन सार, हिंदी बोल दो, नियम सार, संजाति काय, दर्शन पाहुड़, सील पाहुड़, भाव पाहुड़, बोध पाहुड़, सूत्र पाहुड़, लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, बारसाणु रेखा, मूलाचार, दस भक्ति, सिद्ध भक्ति, कुरल काव्य, एपीजे अब्दुल कलाम जिसके भक्त थे, दक्षिण में जिसकी बहुत महिमा, ऐसा कुरल काव्य कहा जाता है, कुंद कुंदाचार्य देव की रचना है। ऐसे वर्तमान में लगभग 20 के लगभग समझ लो उनके नाम से ग्रंथ उपलब्ध है। 84 पाहुड़ रचना की उन्होंने। ये कुंद कुंदाचार्य देव है, ये उनकी करुणा है, उनका उपकार है हमारे ऊपर। समझ आया? दिगंबर जैन आमनाय के प्रतिष्ठापक आचार्य, जिनके नाम से आज यह पवित्र सत्य दिगंबर जिनसासन प्रवर्त रहा है, ये शुद्ध तत्व ज्ञान, शुद्ध मुनियों की चर्या का ज्ञान हमें हो रहा है। आगम और अध्यात्म दोनों मजबूत स्तंभों को स्थापित करने वाली कुंद कुंदाचार्य है। विशेषता है तो आपके अनेक माध्यमों से उपलब्ध है, आपको देख सकते हैं। ऐसे कुंद कुंदाचार्य देव का जन्म हुआ किसके लिए हुआ? हमारे लिए हुआ। हमारे लिए हुआ मतलब हम उनकी भेंटों को अपने जीवन में अपनाए, इन ग्रंथों से जुड़े और अपनी अज्ञान की ग्रंथि को खोले, और जैसे वो अतिंद्रिय आनंद का रसपान करते थे, हम भी ऐसे ही अतिंद्रिय आनंद का रसपान करें। और इसी का नाम 10 लक्षण धर्म है। इसी का नाम
लक्षण धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये उत्तम शब्द का अर्थ है। और क्षमा मार्दव आर्य सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य मतलब आनंद, आनंदमयी परिणति के 10 नाम है। क्षमा मार्दव आर्य ये अलग चीज नहीं है, ये शांति विधान के नाम है, ये कर्म दहन विधान के नाम है, ये इंद्रध्वज विधान के नाम है। कौन से नाम है, कौन से नाम है शांत भाई साहब? 10 धर्म। और आराधना, साधना, पूजा, पाठ, तीर्थ यात्रा, ये भी आनंद के ही नाम है। प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रह, आलोचना, ये भी आनंद के ही नाम है। क्या कहा? एक आनंद परिणति के नाम। वो कुंद कुंदाचार देव प्रचुर अतिंद्रिय आनंद भोगते थे, भोगते भोगते उन्हें विकल चार बार बच्चों का सुबह से वो उसे बंद कर दो परमानेंट। तीन बार तो पूजा में डिस्टर्ब हुआ, क्या बोल रहे थे? कितना बड़ा अंतराय का कारण बनता है हमें पता नहीं चलता। हमारे भोग में शादी ब्याह राग रंग में एक सेकंड भोग अंतराय बर्दाश्त नहीं करते। पत्नी आए तो फेंक दे प्लेट, अब हम मजा आ रहा है टीवी में चौके छक्कों में। बोलो लगता है नहीं लगता? बच्चा रो रहा था, टीवी नहीं देखने दे रहा था बच्चे को, सच्ची घटना है परसों की। अंतराय बोलो, बिजनेस चल रहा हूं पर आपसे आगे कहे आप तो गायक हो। कितना अंतराय लगता है, नहीं लगता? भिखारी खड़ा है, भिखारी मतलब गांव वाले, बिल्कुल सड़े सड़ाए आदमी, वे कह रहे सेठ जी आधा किलो कील दे दो, जे हार दे दो, कोई आ जाए कोई, अरे आप तो गायक हो, प्रभु हो, अभी हम गायक होंगे बाद में, अभी तो हम उपासक है, वही हमारा उपास है जो खड़ा है गांव वाला जो आधा किलो कील मांग रहा है। बस समझ आ रही है, अंतराय बर्दाश्त नहीं है वो। कुंद कुंद आचार्य का जन्मदिन है, होएगा भैया, 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, होएंगे। समझा? अंतराय बर्दाश्त नहीं है। विषय ब्रेक होता है, बात छूटती है, सबका उपयोग बदलता है, विषय ही पूरा डाइवर्ट हो जाता है। ये आपकी कमी नहीं है, ये हमारी कमी है, इसमें आपका दोष नहीं है। हमें इतना मजबूत होकर बैठना चाहिए, कोई कुछ भी होता रहे करता रहे, हम अप्रभावी होकर बोलते रहे। आज उत्तम मार्ग धर्म का दिवस है,
मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में। क्या कहा? मान महाविश्वरूप। मान क्या है? हम जरा भी झुक नहीं सकते, मान का सार की तीव्रता है, झुक नहीं सकते थोड़ा सा भी। देव शास्त्रों के चरणों में, प्रवचनों में, लिखने पढ़ने में झुक नहीं सकते। क्या है ये? मान का सार है। महाविश्वरूप कैसा है ये? विश्वरूप, विश्वरूप है। उल्टे प्रदेश में सोवर्ण है, मर गए जहरीली शराब से, विष से, कितने मर गए? सो मर गए। सो नहीं मरे, कितने परिवार मर गए बोलो? किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, परिवार के परिवार, कितने लोग, कितने बीमार होंगे? सो तो मरे हैं, सो भी बताए हैं। विष, जहरीली शराब, मान कसाय जहरीली शराब है। मान महाविश्वरूप करई नीच गति, नीच गति। रावण सम्यक दृष्टि था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था, अनंतानुमंदी मानकसाय नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसका भी उदय आ गया और उसकी प्रतिज्ञा थी, जब तक कोई स्त्री स्वयं स्वीकार नहीं करेगी मुझे, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ऐसा उसका नियम था। सीता जी की रक्षा उसके इस नियम ने की और वो तैयार था। सीता जी ने मना कर दिया तो वो तैयार था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे सुरक्षित, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को जीत कर तुम्हें वापस करूंगा। उस मान ने उसे नरक में पहुंचाया। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। मान कसाय, हम स्वाध्याय तो सुनेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, हम पूजा तो करेंगे अपने हिसाब से, हम विधान में तो आएंगे अपने हिसाब से। कौन सी कसाय है? मान कसाय करई नीच गति जगत में। और नीच गति करने का मतलब लिख लो, नीच गति मतलब तुम्हें अच्छा अतिंद्रिय आनंद प्रकट नहीं हो रहा, यही नीच गति है। तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, शांतता नहीं मिल रही, निश्चिंतता निर्भयता नहीं हो रही, इसी का नाम नीच गति है। नीच गति और कुछ नहीं है, स्थान विशेष नहीं, शरीर मिलने का नाम नहीं, नीच गति का मतलब तुम्हें अच्छा अतिंद्रिय आनंद नहीं है, सहजता निश्चिंता निर्भरता नहीं है, इसका नाम है नीच गति। क्योंकि परिणामों से बंद, परिणामों से मोक्ष, कुंदाचार का पढ़ा था तुमने भी पूजा में, पहले जल के छंद में था, परिणामो बंधो परिणामो मोक्षो, परिणाम नीच गति है, परिणाम ऊंच गति है। स्वरूप को समझकर जो शांत परिणाम है वही उच्च गति है। स्वरूप को जानने में परिणति लगी है वही उच्च गति रूप पुण्य है, और स्वरूप जानकर जो परिणति शांत नहीं है, स्वरूप नहीं जानकर वही नीच गति है। जिसको परसों रात में कहा था, पुण्य पाप और धर्म, पाप एक है, पुण्य एक है और धर्म एक है। कौन बताएगा पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है? बोलो पंकज भाई, ये तो
कई बार चर्चा आ चुकी, एक ही पुण्य है, एक ही पाप है, एक ही धर्म है। बोलो जी भैया, कोशिश कर रहे हो बोलने की, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ सही एकदम, पुण्य ज्ञान का याजक के निर्णय में ना लगना एक ही पाप है। ज्ञान का याजक के निर्णय में लगना ये पुण्य है, और ज्ञान याजक को जानकर आनंदित है ये धर्म है। उसी को क्षमा कहते हैं, मार्गक कहते हैं, सत्य कहते हैं, शौच कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब अलग से चीज नहीं, कुछ ज्ञायक को जानकर ज्ञायक का आनंद, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और जब वो ब्रह्मचर्य बढ़ता है तब पंचेंद्रिय के भोगों का एक देर त्याग होता है, उसे व्यवहार ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जब वो आनंद प्रचुर मात्रा में होता है तो पंचेंद्रिय के भोगों का पूर्ण त्याग हो जाता है, उसे ब्रह्मचर्य महाव्रत कहते हैं। पूरी दशा स्त्री मात्र के लिए का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। स्त्री का त्याग तो होने भी है जिनकी शादी नहीं हुई, पेड़ को भी स्त्री का त्याग है, लेकिन वो चारों कसाय के सद्भाव में महाकुशीलवान है पेड़ भी, वायु का एक जीव भी, चींटी भी, भिखारी भी, अंधा लंगड़ा लूला भी, नारकी भी और देव भी। समझाया, द्रवलिंगी मुनिराज भी, चारों कसाय चौकड़ी के सद्भाव में अब्रह्मचारी है। क्योंकि अतिंद्री आत्मा का पता ही नहीं है, आनंद नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप का आनंद। और उस आनंद में पहले भ्रांति टूटती है, पद से पंचेंद्रिय के भोगों से सुख की भ्रांति टूटती है, विरक्ति होती है, चौथा गुण स्थान होता है। और फिर दूसरी कसाय चौकड़ी मिटती है तो उस उन विषयों का भी एक देश त्याग होता है। कौन से गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान के अंदर। अगर पूर्ण त्याग होता है जब पूरे विषयों का, तब तब मुनि दशा होती है। और संयुनन का भी जब त्याग होता है तब वरत और सिद्ध अवस्था, शरीर का ही त्याग हो जाता है, इंद्रियों का ही त्याग हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, हम जिसे नहीं चाहते उसका सहज में त्याग होता जाता है। देख लो, करना नहीं पड़ता। करेले की सब्जी कड़वी लगती है, उसका सहज त्याग है। बोलो आप, खिला के देख लो बच्चों को, हाथ लगवा के देख लो, बड़ी नहीं खा पाते। समझाया, सहज त्याग। जिन्हें देवशास गुरु कड़वे लगते हैं, आना नहीं चाहते। कार्यक्रम हो, कोई आयोजन हो, सहज त्याग होता है, नियम बता रहे हैं। जिसका त्याग है मतलब वो कड़वा लगता है। यदि शुद्धात्मा का त्याग है, इसका मतलब शुद्धात्मा सबसे कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। त्याग है, त्याग शुद्धात्मा की चर्चा कड़वी लग रही है। बहुत से लोग आते हैं, उठ के चले जाते हैं, अरे बात तो कोई शुद्धात्मा की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है बस। कल एक दिन बाहर बैठे थे आपके, रात के भोजन सुन रहे, लेकिन अरे बहुत ऊंची चर्चा चल रही, बात उठ के चले गए दो वजन का। जो नहीं आए वे कौन है, अरे किसी कारण से नहीं आए वो अलग मैटर है।
हम समझे मतलब समझना तो हमें ही है, ये तो बोल रहे हैं आप लोग तो सब समझदार हो गए, समझदार हो, समझ जाता हूँ आप ये बड़ा तो सब चीज समझ आ गया। उत्तम मार्ग धर्म क्या है? अपने समरूप ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानकर पर और पर्याय से अपने को छोटा बड़ा अनुभव न करना, पर्याय में सहजता रहना, उत्तम मार्ग धर्म है। हम किसी से भी छोटे नहीं होते, दीनता उत्पन्न न होना, किसी भी पर से हम बड़े नहीं होते, महान नहीं होते, उच्च नहीं होते, तो उसके बल पर घमंड अहंकार ना होना, ये उत्तम मार्ग धर्म है। उत्तम मार्ग धर्म कितने प्रकार का है? पांच। अजय भैया बोल तो दिया है ना, विशेष क्या पूछ लिया, सालों से कई चर्चा चल रही है, क्षमा पांच प्रकार की, विद्राता पांच प्रकार की, एक ही चर्चा कर रहा है। उत्तम मार्ग धर्म कितने प्रकार का है? शांत भाई साहब कौन से पांच? कारण मार्ग धर्म बराबर, हाँ पूरा बोलो अच्छे से। हम वो माँ नहीं है जो बच्चे का इतने में समझ में पानी चाहिए, पूरा चाहिए वो, हे माते कृपया पानी दीजिए। क्या अनंतान बंदी के अभाव में क्या सीखना पड़ेगा ना, अपन दो दिन के प्रवचन कार थोड़ी है कि प्रवचन करके चले गए, चिड़िया उड़ गई, या तो पूरी व्यवस्थित सभा है, रोज की सभा है, तो ये चीजें हमें पक्की होना चाहिए, लगातार चर्चा चल रही है सालों से, वो शब्द हमें चाहिए, क्योंकि हम बार बार पढ़ाते हैं आपको, बताते हैं फिलो में, फिर कभी पूछते हैं, वो चीज पक्की होना चाहिए। हम एक ही चीज को अलग अलग तरह से ना पढ़ाकर अनेक अनेक चीजों को एक ही तरह से तो पढ़ा रहे हैं, एक ही जगह गड्ढे खोल रहे हैं, वो एक चीज तो पक्की, ये वो संक्षिप्त सा कोर्स है, व्यवस्थित सभा का उद्देश्य ये होता है, व्यवस्थित पढ़ाई का, जैसे ग्रंथ चल रहा है तो एक व्यवस्थित चीज चल रही है, क्लस चल रहा है, उसके अर्थ चल रहे हैं, और हर वैसे फिर यहाँ पर चीज निकाली जा रही है, जैसे जन्मदिन का कुंद को नचा रहा था, उसमें से भी ये निकाला कि उनके माता पिता कौन थे, काजन में ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनने ध्याय बताया, निकाला उसमें से मार्ग धर्म की चर्चा जैसे आज की, तो उसमें से भी क्या निकाल रहे हैं, मैं कैसा ज्ञान स्वरूप सम स्वरूप हूँ, तो अनेक में से एक ही तो निकाल रहे हैं, तो एक में से वो जो अनेक चीज है उसको हम सिद्ध कर रहे हैं कि मार्ग धर्म कोई अलग चीज नहीं है, अपने स्वरूप को समझकर जो शांत परिणति है वो ही मार्ग धर्म है, वो शांति पांच प्रकार की है। तो कैसे पांच प्रकार की है कि संयोग कम है चाहे ज्यादा, आज स्वरूप हमने जाना कि संयोग मुझे रूप होते ही नहीं है, इससे मैं बढ़ता घटता नहीं हूँ, इससे मुझे किसी घटे संयोग से चिंता नहीं है, और संयोग बढ़ गए तो मान नहीं है, ये कारण उत्तम मार्ग धर्म है। जैसे गंदे कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, वो इस शरीर पे हैं, हम तो कपड़े तो फटे हैं, मैं थोड़ी फटा हूँ, दीनता नहीं, बस हम नहीं
आई कि नहीं आई? और बढ़िया कपड़े हैं, महंगे साफ कपड़े हैं, साबुत कपड़े हैं, और देखा समझ आ रहा है? ही मर्द धर्म है, कारण मर्द धर्म। ऐसे दुकान मकान पत्नी बच्चे छाव समय ज्ञान और पर्याय, इनके बल पर अपने को छोटा नहीं देखना और बड़ा नहीं देखना। ये कारण उत्तम मार्ग धर्म है, समझ में आया? और जब निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होगी तो अनंतानंदी मार्ग का काय के अभाव में जो अत्यंतिक आनंद प्रकट होगा, आनंद वो कार्य उत्तम मार्ग धर्म है। और ये जल्दी जल्दी होगा, आज तक हुआ ही नहीं। ये अनंतानुबंधी मान 15 दिन के अंदर होगा, समझ में आया? क्षण क्षण में होगा, अपने अनुभूति में ही जीवन होगा। ये हो अनुभूति होना ही नहीं, ये अनंतानुबंधी मान कैसा है? 15 दिन के अंदर नहीं होना, ये अप्रत्याख्यान मान कैसा है? क्षण क्षण में नहीं होना आनंद, ये प्रत्याख्यानावरण मान कैसा है? और अनुभूति में ही परिणति नहीं डूबी रहना परमानेंट, संयुक्त मार्ग कैसा है? ऐसा स्वरूप है। अप्रत्याख्यानावरण मान कैसा है? क्या है अप्रत्याख्यानावरण? कि 15 दिन के अंदर हमें निर्विकल्प अनुभूति आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा, समझ आया? जैसे घरों में 15 दिन से दाल रोटी बन रही थी, कछु बनी ना, कछु बने नहीं ना, जो का खाना है तो ये कछु बनाओ, समझ आया? तो 15 दिन के अंदर कुछ नहीं बनना, बढ़िया जी। और फिर जल्दी जल्दी नहीं बनना, और फिर वे ही बनना। सिद्ध और आनंद भगवान माल ही माल खींचते हैं, शाश्वत सुख के भोगी, निरंतर आय, विदाउट ब्रेक, विदाउट इंटरवल, विदाउट डिस्टर्बेंस, ये है सबसे बड़े धर्मात्मा अनंत और सिद्ध भगवान है। जिनके चारों कसाय चौकड़ी के अभाव में, समस्त कसायों के अभाव में पूर्ण अतिंद्रिय आनंद और सुख ही सुख चल रहा है, इसलिए वो हमारे आदर्श है। तो उसका प्रचुर अतिंद्रिय आनंद भोग रहे हैं आचार्य उपाध्याय और साधु, लेकिन उन्हें भी इंटरवल आता है, ब्रेक पड़ता है, दूसरे टाइम का, कितने टाइम का? यदि 1 मिनट वो अतिंद्रिय आनंद में रहते हैं तो 2 मिनट वो विकल्पात्मक भूमिका में रहते हैं, दोगुने टाइम। यदि वो 0.5 सेकंड, ऐसा गणित निकाला है कर्णालियों के विशेषज्ञों ने, 0.5 सेकंड यदि वो अतिंद्रिय आनंद का रसपान करते हैं तो 1.5 सेकंड के लिए वो सुख विकल्पों की अवस्था में होती है, छठवें गुरु स्थान में, ये ब्रेक पड़ता है, ये लिख लेना। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि 0.5 सेकंड तो निर्विकल्प अनुभूति में रहते हैं और 1.5 सेकंड छठवें गुरु स्थान में होते हैं। तो छठा सातवा 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, ऐसा चलता है। चलते चलते अंदर, भोजन करते करते अंदर, लिखते लिखते अंदर,
जैसे अभी कुछ बोल रहे हैं तो सुनते सुनते नहीं आई समझ में। अरे भैया बहुत खराब हो, रात में तो आते नहीं हो, सुबह भी लेट आते हो, तो अब क्या हो रहा है बार बार दुगने टाइम ये बात की चुभन है, और थोड़े टाइम अरे आप तो ज्ञायक हो, अकर्ता हो, आपने आज तक कुछ है, आप आने जाने वाले नहीं हो, ऐसा चलता है। जैसे पत्नी कुछ बोल दी और प्रवचन भी सुन रहे हैं तो सुनने में उपयोग लगा, नहीं नहीं मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं कही तो कैसे कही, तो डेढ़ सेकंड ये चलेगा, कौन सेकंड, नहीं मैं तो ज्ञायक हूँ, बात समझ आ रही है, अपने सामने था क्यों होगा जी, तुम नहीं राजा हो सब बात बोल दिया दिन बैठे रहते यहाँ तो कंटिन्यू ऐसे घंटा तक बोले सोच रहे दो घंटा तक क्या सोच रहे दृष्टान है। वो मुनिराज जैसे बैठे हैं शुद्ध भाव में तो उसमें भी डेढ़ सेकंड आएगा कोई बिकाई, अपन सुन रहे हैं एक घंटे से ध्यान में नहीं, शरीर और आंखें बंद है, शरीर रुका है, लेकिन उपयोग तो शुद्धात्मा का आश्रय निर्विकल्प अनुभूति 5 सेकंड और निर्विकल्प अनुभूति 5 सेकंड और फिर विकल्प चल रहे है, उपयोग भार है वो 1.5 सेकंड। जो मुनिराज छठे सातवें स्थान में प्रवर्तित है जो श्रेणी लगाते हैं उनकी अलग बात है, आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें स्थान तो निर्विकल्प अनुभूति के ही हैं, और वो भी दूसरी बात है, उसमें भी उपयोग बदलता है। ध्यानों का स्वरूप पढ़ा है मैंने कई बार कई ग्रंथों में, वहाँ भी द्रव्य से द्रव्यांतर गुण से गुणांतर उपयोग होता है, सूक्ष्मता है, तरलता परिणामों की भावी कथाएं है, सूक्ष्मता है। जैसे हड्डी टूटी, धमस लगी, थोड़ा टकराया या थोड़ा ऐसा कोई हल्की सी धारा हुई, होता है दर्द कभी, बिल्कुल ऐसे उसकी कैटेगरीज है सारी। करुणानिधि के ग्रंथों से ये बात एकदम स्पष्ट होती है। उत्तम भागवत धर्म कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। पहले अपने एक ज्ञान स्वरूप को, सम स्वरूप को समझकर पर और परिणायों पर्यायों के बल पर अपने को दीनहीन और बड़ा अनुभव नहीं करना, कारण मार्ग धर्म है। उसके बाद अंतानुबंधी कसाई के अभाव में अतिंद्रिय आनंद का प्रकट होना, ये दूसरा उत्तम मार्ग धर्म है। और फिर 15-15 दिन के अंदर अनुभूति होना, ये तीसरा उत्तम मार्ग धर्म है। और फिर क्षण क्षण में 1.5 सेकंड के में अनुभूति होना, ये चौथा उत्तम मार्ग धर्म है। और फिर अनुभूति के सागर में ही निमग्न रहना, ये 5वां उत्तम मार्ग धर्म है। ये कितनी बार बता चुके, कई बार बता चुके। अभ्यास करो, सारी पढ़ाई बंद कर दो, इन्हीं को लिखो पढ़ो। एक कॉपी आती है ना, कॉपी आई थी किसी की, मामा जी ने भी लिख लिख के दिया था, मैं कहा छठे कलश के आधार पर लिख लिखो वो प्रवचन, मामा जी ने बिल्कुल व्यवस्थित लिख के दिया था पूरा एक एक अक्षर, और एक कॉपी और महिलाओं की तरफ से आई थी, उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है, उसको देखना, सात तत्वों के नाम चीजें परिभाषाएं जो लिखी थी कुंद कुंदाज में घटाए थे, बहुत सुधार की जरूरत है। लिखवाने का उद्देश्य यह है कि आप क्या समझ रहे हो, आप क्या कहोगे दूसरे से, सब हमने तो बढ़िया गुड़ दिया शुद्ध बनवा के, और तुमने उसे पूरा
ऐसे काम चले। परीक्षा का उद्देश्य ये होता है कि तुमने साल भर क्या पढ़ा है, क्या समझा है, कितनी कमी रह गई है, वो ज्ञान में तो आए, क्या करें हम। लेकिन हिंदुस्तान है ये, जब ऑफिसर होते हैं ना शिक्षा अधिकारी, अचानक पहुंचते हैं किसी स्कूल में और वो पढ़ाने वाले शिक्षक से ही पूछते हैं, सुनाओ 17 का पहाड़ा खत्म। उनसे पूछते हैं इंग्लिश का सेंटेंस बोलो, खत्म। ऐसे शिक्षकों की भर्ती है, पैसे देके रिश्वत देके जो भर्ती हो रही थी पहले, अब थोड़ी रुक रही है मोदी राज में योगी राज में। ऐसा नहीं मत बनाओ, हम मोदी योगी के भक्त नहीं है, बात ये नहीं कहना है, बात ये कहना है कि दशा दयनीय थी बहुत। सुनो, हमारे प्रवचन के पहले कितनी दयनीय थी, और हम कर रहे 10 साल से तो भी दयनीय बनी है हमें इस बात पर, हमें सिद्धांत बताना है, दृष्टांत बनी जाना है। कितने अच्छे से छठवा क्लास पढ़ा रहे हैं, जीव का जीव से वेद विज्ञान, जीव से अजीव का वेद विज्ञान कितना विस्तार कर रहे हैं, और फिर भी 7 तत्व पढ़ाए, 9 तत्व पढ़ाए, उनकी परिभाषा बताई 6-6 बार, और तो भी वो आप बोल ना पाओ, लिख ना पाओ। पूजन में तो हम पढ़ेंगे दशा चारों गति की दयनी, दशा चारों गति की दयनी, दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान। पूजा में गांगा के मजीदे ढोल माइक और सिंथेसाइजर और वो की पैड क्या आता है वो पैड, ऑर्गन पैड, ढोला। दशा चारों गति की दयनी, दया का, अरे अपनी ज्ञान की दशा कितनी दयनीय चल रही है, दया का विधान नहीं है यहाँ पर, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उत्तम मार्ग धर्म कितने प्रकार का है उसका वर्णन कीजिए, बोलो। ठंडी सांस मत लो, जैसे ठंडियों के दिन चल रहे हैं। आईसीयू में भर्ती हो, जांच करा लो कौन कौन सी मशीनें बताई थी गलत ने परसों, पेट स्कैन, पिल्ला स्कैन, क्या करें। अरे स्वरूप जानकर जो निर्माण परिणति है, पहले अभी कारण उत्तम मार्ग धर्म है, अनुभूति प्रकट हो गई निर्विकल्प, दूसरी क्षमा है, 15-15 दिन के अंदर अनुभूति होने लगी, तीसरी उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्ग है क्षमा बोलने, क्षण क्षण के अंदर अनुभूति हो रही है, चौथी उत्तम मार्ग धर्म की परिणति है, और अब अनुभूति ही अनुभूति चल रही है, पांचवी उत्तम मार्ग धर्म है, पांचवा सरल है एकदम, बिल्कुल उस शब्द पकड़ने की बात है, क्योंकि वो सुने नहीं है, उनका परिचय नहीं है, इसलिए कहते हैं लिख लो, पढ़ो उसे, अभ्यास करो। मैन परफेक्ट किससे होता है, इंग्लिश में वाक है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, प्रैक्टिस चाहिए। ये रोटी जम्बूद्वीप जैसी क्यों बनने लगी, प्रैक्टिस नहीं, जम्बूद्वीप जैसी क्यों बनने लगी, प्रैक्टिस। कड़ी दाल चावल परफेक्ट क्यों बन रहे हैं, ये ग्राहक परफेक्ट क्यों फंस रहे हैं, बस
प्रैक्टिस हो गई बच्चों को, पिताजी ने उनको परफेक्ट कर दिया, परफेक्ट कर दिया, एकदम दिक्कत नहीं है कोई। ऐसे ही हमारा ज्ञान भी प्रैक्टिस करे, सफलता कोई व्यस्त नहीं है, ये केवल परिश्रम चाहती है। वो परिश्रम है ज्ञान का, हिन्द विज्ञान का, स्वरूप समझने का। बात समझ आई? कुंद कुंदाचार का जन्म उन्होंने प्रैक्टिस की, 84 52 लिखे, देखे कि नहीं लिखे, मेहनत करके ताड़ पत्रों पे खोद खोद के कांटों से कैसे लिखे, कैसे सुरक्षित हम पर आ गए, कैसे आ गए। और आप लोगों का, अपन लोगों का कितना भाग्य है कि ये चीजें कितनी सरलता से खुल के आ रही है। पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, अब तो घर आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है, 5 बार सुन लो, उठते बैठते चलते काम करते कि भी उस रंग में रंगे रहो, लगा लो, लिखो, पॉज कर दो, लिख लो, दोबारा रिवाइज कर दो सर, अब तो वो भी नहीं करना है, तेज बटन दबाने, अब तो ऐसे करो, रिवाइज हो गई, फिर चलने लगी, कितनी सुविधा आ गई। बार बार लगा लो, उठते बैठते खाते पीते सोते चलते फिरते ओंकार मंत्र पढ़ो, पवित्र हो पवित्र हो, सुस्ते हो दुस्ते हो कैसे ही हो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। उन दिनों में क्या करें जब हमारा शादी है, सूतक है, पातक है, मरो क्या करो, उन दिनों में क्या करें, उन दिनों में क्या करें, काल मुख हो जाओ, ये चीजें लिखो, जितनी रूढ़ियां चल रही हैं उन सबकी लिस्ट बना के दो पहले अभी, पर उन पे प्रवचन करें 10-15 घंटे, पूरे देश विदेश में वो जाए, लिख के देना जितनी भी घरों में, दुकानों में, शादियों पे, 3-13 में जो कितकुलीतियां चल रही है, अंधविश्वास चल रहे हैं, ग्रीक मिथ्या का सेवन चल रहा है, वो सब लिख के दो। कोई हमें जानकारी है नहीं इतनी, क्या क्या होता है शादियों में, वो ऐसे ऐसे करते हैं, मूसल मूसल बाजीगुड़ी महंगे कमालू लिखा कि नाटक वो सब लिख के दो हमें। भैया क्या करें, अरे अपनी शुद्ध परिणति अपने से भाग चुकी है, वो दूर हो, लक्ष्य ये बने। हमारा सारा समय शक्ति ज्ञान कैसे यहाँ लगे, जितना लग रहा है तो लग ही रहा है, वो यहाँ लगे, ये प्रयास होना चाहिए, ये समाज का, समाज के कर्णधारों का, विद्वानों का, अध्यक्ष उपाध्यक्षों का, जो बुजुर्ग है उनका ये प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय शक्ति ज्ञान इसमें लगे, कैसे लगे, ये प्रयास होना चाहिए, प्रयोजन कुछ चीजों में लगे, क्योंकि ये दुर्लभ अवसर जो मिला है। तो अंतिम बात आज कुंद कुंद आचार देव की, जो बड़े मंदिर की दीवार पर बाहर लिखी है बहुत मोटे अक्षरों में, उन्हीं के वचनों को स्मरण करते हुए दोहराते हुए विराम लेंगे। क्या लिखा है बड़े मंदिर में कुंद कुंद आचार का, एक बहुत अच्छा इस प्रसंग पे जो बता रहे थे अभी, इस प्रसंग पे लिखा है, जब तक देह रूपी कुटिया, लिखा है कुछ बात लिखा है, क्या लिखा है बताओ, जीर्ण बोलो अनु, इनने लिखवाया इसलिए, जब तक देह रूपी कुटिया वृद्धावस्था को प्राप्त न कर ले, जला नहीं डालती है, ऐसा कोई शब्द है, तब तक तू
कर ले, काम कर ले। यमराज खा न जाए शरीर को, वृद्धावस्था तुझे असहाय न कर दे। अब उठने की बात है, कमर हुई, घुटने ऐसे हो गए, अब सर्दी हो गई, अब सांस फूल रही है, अब चलते नहीं बन रहा हो, अब सुनते नहीं बन रहा हो, आँख नहीं खुल रही, तब का होएगा? वृद्धावस्था आने के पहले, इंद्रियां शिथिल होने के पहले काम करो, उपयोग खराब होने के पहले काम करो, आयु पूरी होने के पहले काम करो, ये लिखा है। समझ आया? कुंद कुंदाचार्य है वो, सब लिखा है हमने, इसलिए तो कहा था आगम और अध्यात्म के मजबूत स्तंभ उनने हमें दिए। समझ आया? इस तरह से ये दुर्लभतम अवसर है, बहुत कम समय है, बहुत 24 घंटे में 1.5-2 घंटे इतने तो प्रवचन चलते हैं, 24 घंटे में 1.5-2 घंटे कितना कम समय है, कितना कम समय। घर जाने के बाद तो अवसर ही नहीं है, अवसर ही नहीं है कुछ। तो इस तरह से जो समय है अपने पास, दोनों समय का सदुपयोग करो, बाकी समय जाएगा है, जो भी योग्यता है व्यवस्था है जा रहा है। तो आज कुंद कुंद आचार्य देव के जन्म दिवस पर हम प्रतिज्ञा करें कि दोनों समय के प्रवचनों में उत्साह पूर्वक समय से लाभ लेंगे। मौसा जी समय से, हमारे आने के बाद नहीं, समय से। और दूसरा उत्तम मार्ग धर्म का दिन है, पवित्र आज, तो हम क्या इन धर्मों का स्वरूप है, धर्म की 10 लक्षण पुस्तक श्रावकाचार्य जी उसका स्वाध्याय करें, प्रसंग है। स्वाध्याय की प्रतिज्ञा करें, एक ही प्रतिज्ञा, एक नियम में सब नियम हो जाएंगे, और एक नियम नहीं है इसलिए कोई भी नियम नहीं हो रहा, कोई भी नियम ले सकते हैं, ले सकते हैं। दोनों समय स्वाध्याय में उत्साह पूर्वक आएंगे, कितने लोग ले सकते हैं? 1, 2, 3 हाथ खड़े हुए, 4 साल भाई का घर पे दिक्कत है कुछ, फ्री हो आप तो 24 घंटे। आप तो ये नियम लोगे, दोनों समय स्वाध्याय में उत्साह से आएंगे, बाहर होंगे तो घर पे पढ़ लेंगे, प्रवचन मंदिर उपलब्ध होगा तो वहां सुनने जाएंगे, अपेक्षा तो यही करते कि नहीं करते। बोलो आप कहीं गए और लोग हो गए, नहीं सर हम तो विदिशा में डॉक्टर है दिखाएंगे, बाहर नहीं दिखाएंगे, ऐसा नियम है आप लोगों का? नहीं है, देखो क्या गजब बात है, कितनी गेले हैं। हम तो विदिशा में ही पानी पियेंगे, वो बाहर गए तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। अरे जहाँ होंगे स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय मतलब प्रवचन में आने की व्यवस्था है, कोई योग प्रवचन कार है तो यहाँ आएंगे, नहीं होगा तो अपने पढ़ेंगे सुनेंगे चिंतन करेंगे, स्वाध्याय के 5 अंग है ना, किसी दूसरे को सुनाएंगे। अब क्या करें, ज्ञान तो उतने झुका है, स्वाध्याय के कितने अंग है? 5 अंग है। सबसे पहला अंग है पढ़ना वाचना, पहला अंग, और अंतिम अंग है पांचवा धर्मोपदेश, दूसरे को वो बात बताना, बीच के 3 कल देख के आना। तो भैया बहुत कम समय है, बहुत कम समय, बराबर इसका सदुपयोग करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत